बहुत बहुत क्लोज है ये, बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन मैं इस क्लोन को रिजेक्ट करूंगा, आप इस क्लोन को ना लें। एक जो परसेप्शन है, ब्लाइंड बाय करते हैं लोग, क्लोन्स को ब्लाइंड बाय कर लेते हैं, हाइप में आ जाते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले हैं जो सेल पर्पज से, उनको सेल करना है अपना प्रोडक्ट, तो वो हाइप करते हैं कि ये क्लोन है और इतना जबरदस्त क्लोन है, 80-90% क्लोज है, ये है वो है, बहुत हाइप करते हैं और लोग खरीद लेते हैं। फिर मैंने काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी देखी है लोगों में, डिसअपॉइंट भी होते हैं क्लोन खरीद कर, इसीलिए मैं बहुत कम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ललित फ्रेग्रेंस। और आज मेरे साथ दो दो गेस्ट हैं और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को मैं कभी नहीं बोलता कि आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखो, लेकिन आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे दूँ, इनका नाम है वैभव और ये मुझे कहाँ से मिले, तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब पर मेरी वीडियोज़ देखते हैं और मैंने जो लुई विटॉन ओमरे नोमैड की वीडियो डाली थी तो इन्होंने मुझे बोला कि इनके पास कोई इसका क्लोन है, क्लोन है अल्बेत का। एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ। एक बार मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था तो मुझे आपका यूट्यूब की वीडियो दिखी, फिर मेरे को इंटरेस्टिंग लगा उसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा उसका। एक तो आपके जो कॉन्टेंट है वो काफ़ी यूनिक रहता है, सारे आज तक मेरे को नहीं लगता इंडिया में कोई ऐसा क्रिएटर होगा थैंक यू जिसने इस टाइप की वीडियोज़ बनाई हो। मैं इंप्रेस हो गया, मतलब किसी ने रेटिंग कर रखी हो, कौन सी थी वो वीडियो जिसमें आपने अवार्ड्स अवार्ड्स फ्रेग्रेंस अवार्ड्स, फिर लोगों से पब्लिक रिव्यूज, राइट? तो पब्लिक रिव्यूज इंडिया में मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा कोई कंटेंट वगैरह बनाया होगा, तो मैं काफी इंप्रेस हुआ। फिर मैंने भाई से एक दिन इंस्टाग्राम पे, भाई लाइव आए हुए थे, कहीं बैठे हुए थे, अभी की बात है, हफ्ते भर पहले की बात है, मैं घूमने गया हुआ था, तो मैंने लाइव पे ऐसे ही चैट में लिख दिया कि भाई कैसे हो। तो मैंने कहा यार आपके पास ओमरे नोमैड है, मेरे पास इसका बहुत तगड़ा क्लोन है, लेकिन भाई बहुत तगड़ा है, आपका ओमरे नोमैड को भी फेल कर देगा। तो उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ओमरे नोमैड इज ओमरे नोमैड, क्लोन इज क्लोन। हालांकि मेरे पास भी काफी ओजी हैं और क्लोन्स भी हैं। मैं आपको बताऊं, इन्होंने ओरिजिनल लुई विटॉन का ओमरे नोमैड अभी तक स्मेल नहीं किया है जी, ठीक है? और मैंने अल्बेत का जो इनके पास क्लोन है मैंने वो स्मेल नहीं किया है। हालांकि मैंने ओमरे नोमैड के जो दूसरे क्लोन है, जैसे जॉन लॉवे ओमरे है और जो दूसरे क्लोन है इसके, वो भी मैंने स्मेल किए हुए हैं, बट मुझे अभी तक ओमरे नोमैड को बीट करने वाला क्लोन, लेकिन ओजी को तो मुझे लगता है कोई बीट कर पाएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं जो ओजी को बीट कर पाए, बट उसका सिमिलर भी मुझे कोई नहीं लगा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक कंटेंट क्रिएट करें। तो ये जो है, मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ओजीज को, मैं क्लोन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि एक टाइम पर मैंने बहुत क्लोन्स खरीदे थे, पेंडोरा हो, लताफा के हो, अर्दल जाफरान के भी क्लोन्स खरीदे, काफ़ी क्लोन्स खरीदे थे मैं, लेकिन मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो मुझे वो सारे वेस्ट ऑफ मनी लगने लगे। तो बट ये मुझे बोल रहे हैं कि ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि इनके पास कुछ क्लोन्स ऐसे हैं कि मैं ओजी को फेल कर देंगे और मैं जो है क्लोन्स को इंपॉर्टेंस देने लगूंगा, वो वर्दी होते हैं। तो आज का जो कंटेंट है वो इसी पर है, क्लोन वर्सेस ओजी, ठीक है? तो इसमें होगा क्या, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आज का, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपको। मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ, ये मेरे कज़न है, इनका नाम कमल कौशिक है, और इनके बिना ये वीडियो इनकम्प्लीट होती और ये वीडियो हो ही नहीं पाती। और ये भी एक कंटेंट क्रिएटर है, इनका भी यूट्यूब पर चैनल है खुद का, और ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं ये, और किसी भी तरीके की ट्रैवल रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं इनका जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज होने वाला क्या है कि हमने क्या किया है, ओरिजिनल को क्लोन के साथ रखा हुआ है, इस तरीके से कुछ 7-8 फ्रेग्रेंसेस हमने पेयर की हैं ओजी को क्लोन के साथ। हमारे जो ये कमल भाई हैं ये क्या करेंगे, ये पीछे से हमें स्प्रे करके देंगे फ्रेग्रेंस, और हम दोनों को कोई आइडिया नहीं होगा कौन सी फ्रेग्रेंस आ रही है कौन सी नहीं। क्लोन और ओरिजिनल दोनों आएंगे हमारे साथ, दो स्ट्रिप पे आएंगे, हम दोनों एक उन फ्रेग्रेंसेस को ट्राई करेंगे, ठीक है? और हम दोनों साथ में बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। हम बाइज्ड नहीं होंगे, कुछ नहीं पता होगा, हम ब्लाइंड टेस्ट करने वाले होंगे, ना हमें फ्रेग्रेंस का नाम पता होगा, ना हमें ये पता होगा कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं। जब हम रेटिंग दे देंगे, डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में, सबसे लास्ट में पता लगेगा कि कौन सा ओरिजिनल था और कौन सा क्लोन था और वो फ्रेग्रेंस कौन सी थी। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इनके लिए भी, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं रिव्यूअर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, और ये जो है ये कलेक्टर हैं, ये आप लोगों की तरह कलेक्ट करते हैं फ्रेग्रेंसेस को, तो इनका पर्सपेक्टिव अलग है। तो आज यही देखने वाले हैं कि कौन सा ज्यादा परसेप्शन जिसका जीतने वाला है, आज मजा आने वाला है, आज बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक देखना।
और अभी जब वीडियो शुरू होगी तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और आपकी काफी हेल्पफुल होने वाली वीडियो इन लोगों के लिए। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक कंटेंट क्रिएट किया जाए क्योंकि लोगों की हेल्प हो जाएगी। एक जो परसेप्शन है ब्लाइंड बाय करते हैं लोग क्लोन्स को ब्लाइंड बाय कर लेते हैं, हाइप में आ जाते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले हैं जो सेल पर्पज से उनको सेल करना है अपना प्रोडक्ट तो वो हाइप करते हैं कि ये क्लोन है और इतना जबरदस्त क्लोन है 80-90% क्लोज है ये है वो है बहुत हाइप करते हैं और लोग खरीद लेते हैं। फिर मैंने काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी देखी है लोगों में, डिसअपॉइंट भी होते हैं क्लोन खरीद कर। इसीलिए मैं बहुत कम रेकमेंड करता हूँ। हाँ कुछ क्लोन्स हैं जिनको मैं रेकमेंड करता हूँ, जैसे अरमाफ का क्लब डिनो इंटेंस मैन है, वो बहुत ही बेहतरीन क्लोन है। मैं खुद उसको यूज करता हूँ और मैं रेकमेंड भी करता हूँ उसको खरीदने के लिए लोगों को। तो इस तरीके से कुछ और क्लोन्स भी हैं। तो लास्ट में ये देखेंगे कि ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ज्यादा वोटिंग लेती है या क्लोन ज्यादा वोटिंग लेती है और लास्ट में हम अपना पर्सनल रिव्यू देंगे कि कौन ज्यादा बेटर है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल क्लोन वर्सेस ओरिजिनल। और देखिए गाइस आपके सामने हो रहा है सब कुछ, हम दोनों फेस करके यहाँ बैठे हैं, ये जो हमारे कर्मल भाई हैं ये पीछे से सब कुछ करेंगे, हमें कुछ नहीं पता होगा, सब कुछ लाइव है आपके सामने, कोई कट नहीं है इसमें। वो हमें लास्ट में ही बताएंगे कि कौन सा फ्रेग्रेंस जो है ओरिजिनल था कौन सा क्लोन था। तो अपने सामने सब कुछ देखते रहिए होते हुए। सो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमल भाई से कि वो स्टार्ट करें पहली फ्रेग्रेंस के साथ। सो गाइज ये मेरे पास आ गई है पहली स्ट्रिप और इस पे ए लिखा है और दूसरी जो स्ट्रिप आएगी उस पे बी लिखा होगा, तो एक पे क्लोन होगा और एक पे ओजी होगा। अब मेरे पास एक स्ट्रिप आई है, हम दोनों को ही नहीं पता, जैसे कि आपने देखा होगा उन्होंने आपके सामने स्ट्रिप दिया, हमें नहीं पता इस पे क्लोन है ओरिजिनल और ये भी नहीं पता कौन सा फ्रेग्रेंस है। तो मैं सिर्फ एक ब्लाइंड टेस्ट करने वाला हूँ, इसको स्निफ करने वाला हूँ। फ्रेश लग रहा है मुझे, कोई फ्रेश फ्रेग्रेंस है ये और देखते हैं कौन सा है ये। डीएनए तो उस टाइप का ही है, सुभाष का डीएनए लग रहा है मुझे, कंफर्म नहीं है सुभाष लग रहा है। अब आप दूसरा स्ट्रिप दीजिए हमें। तो गाइस मेरे पास ये दूसरी स्ट्रिप आई है इस फ्रेग्रेंस की और अभी भी हमें नहीं पता कौन सा फ्रेग्रेंस है और क्लोन कौन सा ओरिजिनल कौन सा है, मुझे डिफरेंट लग रहा है उससे ये। अब देखिए मैं यही बता रहा हूँ, एक क्लोन है एक ओरिजिनल है लेकिन डिफरेंस हमें पता लग रहा है, साफ साफ डिफरेंस पता लग रहा है। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं, आप टेस्ट कीजिए इसको, वो मुझे दे दीजिए। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, डिफरेंट लग रहे हैं और साइड बाय साइड कंपेयर किया, ये ज्यादा स्मूथ लग रहा है मुझे जी, थोड़ा क्लैरिटी आ रही है फ्रेग्रेंस में, नोट्स क्लियर नोट्स आ रहे हैं मुझे। मैंने इसको हमने सबसे पहले इसको स्मेल किया स्ट्रिप को और हमने गेस किया कि कौन सा फ्रेग्रेंस है, उसको स्मेल करके हमें कोई आइडिया हो ही नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से ये ओरिजिनल होगा, मेरे हिसाब से ये ओरिजिनल होगा, ए जो है ये ए, इस पे ए लिखा है, ये ओरिजिनल होगा। आपको क्या लगता है? देखिए मुझे भी यही लग रहा है कि ए ओरिजिनल है और बी क्लोन है। तो गाइज अब हमें कमल भाई बताएंगे कि ए ओरिजिनल था या बी ओरिजिनल था या कौन सा क्या था और फ्रेग्रेंस कौन सी थी। कमल भाई आप बताइए हमें। फ्रेग्रेंस था ये ब्लू डी शनेल था। ओके ब्लू डी शनेल। हाँ और जो ए है वो है ओजी और जो बी है वो है क्लोन। ठीक है सो गाइज अब क्लियर हो गया है, जो ए था वो ब्लू डी शनेल ईडीपी था जो कि है ये और जो इसका क्लोन है काफी पॉपुलर और लेटेस्ट रिलीज है ये अरमाफ का आइकॉनिक। तो इसमें विनर कौन होगा? अब हम ये पूछना चाहेंगे कि आप कौन सा प्रेफर करेंगे, हम क्लोन प्रेफर करेंगे या ओजी प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली ओजी प्रेफर करेंगे। ठीक है क्योंकि उसके नोट्स काफी अच्छे हैं और वो फ्रेश आ रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइज मैं भी ओजी को ही प्रेफर करूंगा। तो जो पहला फ्रेग्रेंस इसमें जीता है वो ओजी जीता है, तो एक वोट पहला जाता है ओजी को। सो गाइज पहली फ्रेग्रेंस आपको आइडिया हो गया होगा कुछ हद तक कि किस तरीके का कंटेंट है, क्लैरिटी आ गई होगी और हमें भी एक क्लैरिटी आई, भाई को भी क्लैरिटी आई कि क्लोन ज्यादा अच्छा है या ओजी ज्यादा अच्छा है। पहला वोट हम दोनों ने ही ओजी को दिया है। अब देखते हैं दूसरी फ्रेग्रेंस कौन सी आने वाली है और उसमें कौन विनर होता है, ओजी या क्लोन। आप लोगों के लिए जो ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि आप ओजी की तरफ जाएं या क्लोन की तरफ। दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी आज ही हो जाएगा। आज ये कोई हाइप नहीं चलेगी और आगे भी किसी हाइप में मत आना, अपना ही दिमाग लगाओ, टेस्ट करो और मेरे वीडियोस देखो। सो गाइज मेरे पास पहली स्ट्रिप आ चुकी है, देखते हैं फ्रेग्रेंस कौन सा है और ये क्लोन है या ओजी, ये भी देखने वाली बात होगी। आई नो दिस, क्लैरिटी क्लियर है, ये डीएनए मुझे पता है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ओरिजिनल है या क्लोन है। ये ओम्ब्रे नोमाड है, जो भी है ये ओम्ब्रे नोमाड है। अब भाई देखेंगे, ये ओम्ब्रे नोमाड है। अब मेरे पास इसका क्लोन है, इनके पास इनका ओजी है। अब मेन पर्पस वीडियो का यही था कि ओम्ब्रे नोमाड क्लोन अच्छा है कि ओजी ज्यादा अच्छा है, आज पता चल जाएगा। ठीक है और गाइस हमारे पास दूसरी स्ट्रिप आ चुकी है, देखते हैं इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। अब बताओ, ₹95% सिमिलर लग रहा है मुझे, दोनों जो है 95% सिमिलर लग रही हैं और बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए डिफरेंशिएट करना कौन सा क्लोन है और कौन सा ओरिजिनल है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दोनों एक जैसी हैं। ये दिखाओ, अब साइड बाय साइड टेस्ट कीजिए दोनों को। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है।
95% मैं ओरिजिनल में क्वालिटी का हो सकता है पर स्मेल वाइज तो दोनों स्मेल वाइज दोनों सेम। ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग फेज है इस वीडियो का। मैं इसी वजह से ये वीडियो इनको बोला था कि आप मेरे पास ओमरे आप बताइए कौन सा ओरिजिनल लग रहा है कौन सा क्लोन लग रहा है। देखिए मेरे को इन दोनों में कुछ फर्क नहीं लग रहा, बहुत बहुत क्लोज है ये, बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बहुत ही ज्यादा। देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है डिफरेंशिएट करने में। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अगर एयर में अगर कोई सुनेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा है। हाँ तो मुझे जो ओरिजिनल लग रहा है, मुझे ए ओरिजिनल लग रहा है और बी क्लोन लग रहा है। अब देखते हैं मैं सही हूँ या नहीं। कमल भाई आप बताइए। ए ज्यादा अच्छा लगा। ये ओरिजिनल है ओमरे नोमाड और ये है अल्बेत का ओमरे नोमाड का क्लोन। ये इसकी प्रीमियम रेंज में आता है, जो नॉर्मल अल्बेत है उससे प्रीमियम रेंज में आता है ये। और मेरे पास इसका क्लोन है और भाई के पास इसका ओरिजिनल है। तो मैंने जब ये लगाया था मुझे नहीं पता था कि ये ओरिजिनल कैसा स्मेल करता है, पर मेरे को उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी, जिसी वजह से मैंने इनको बोला कि भाई एक वीडियो बनानी तो बनती है। और इन्होंने अभी इस वीडियो में पहली बार अपनी जिंदगी में ओरिजिनल जी ओमरे नोमाड स्निफ किया, आज ट्राई किया पहली बार। अब बताइए भाई आपका क्या कहना है। देखिए मैंने एक को ओरिजिनल बताया लेकिन ओरिजिनल बी था, ये क्लोन है जो मैंने ओरिजिनल बताया और ये क्लोन, ये ओरिजिनल था ओमरे नोमाड लुई विटॉन का। 10/10 रेटिंग दूंगा मैं। देखिए ओमरे नोमाड तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट फ्रेग्रेंस है, बट गाइस मैंने आज पहली बार स्मेल किया। ललित भाई ये आपने 30,000 से ऊपर का लिया था शायद। इसकी MRP जो है 32,500 और ये मैंने स्टोर से ही परचेज किया ये वाला। हाँ ये वाला और स्टोर पे ही मिलता है ये। ओरिजिनल आपको लेना तो स्टोर से ही लेना, बाहर कहीं मिले तो उसकी कोई गारंटी नहीं ओरिजिनल होगा या नहीं, क्योंकि लुई विटॉन बाहर बहुत कम मिलता है, मिलता ही नहीं है। मैं तो साफ बोलूंगा अगर मिल रहा होता तो मैं ले लेता कहीं ना कहीं से। अब तक ललित भाई आप इसकी प्राइस गेस करिए, इसकी प्राइस क्या होगी। इसकी प्राइस होगी 2,500 रुपये। पहले ये थोड़ा महंगा मिलता था पर आजकल ये 2,000 के रेंज में आ जाता है। गाइस मैं साफ कह रहा हूँ, आज मैं साफ कह रहा हूँ, लुई विटॉन ओमरे नोमाड 32,500 का है और इन इसकी जो फ्रेग्रेंस है 95% से भी ज़्यादा सिमिलर है ओरिजिनल लुई विटॉन से। तो गाइज आप इसको कंसीडर कर सकते हैं जी। कुछ क्लोन्स ऐसे होते हैं, ये क्लोन है, ये वर्दी क्लोन है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। कहाँ 2,500 रुपये और कहाँ 32,500। मेरे ख्याल से 10% भी नहीं है उसका ये प्राइस, ह्यूज डिफरेंस है। और ये विनर है, ओरिजिनल ओरिजिनल है लेकिन आप इसको खरीद सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। ये अल्बेत का है ओमरे नोमाड, मैंने अभी स्किन पे भी लगाया ये, तो ठीक है क्वालिटी में फर्क तो है, वो होगा भी होगा क्योंकि जो ओरिजिनल है वो रियल इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और ये थोड़ा सा जो है सिंथेटिक नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है क्लोन्स में, क्योंकि अफोर्डेबल बनाना है, सिमिलैरिटी भी देनी है उसके ओरिजिनल के बराबर और अफोर्डेबल भी बनाना है। तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसकी परफॉर्मेंस सुबह लगाता हूँ, मेरे को अगले दिन तक चलती है इसकी परफॉर्मेंस। गाइज आप ऑयल कंटेंट देखिए, ऑयल कंटेंट मेरे, हाँ मैंने अभी स्प्रे किया है और मुझे साफ साफ ऑयल दिख रहा है, तो मुझे लगता है कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है इसका। तो ये वर्दी है, मैं थम्स अप करता हूँ अल्बेत को इस फ्रेग्रेंस को बनाने के लिए, और बहुत ही ज्यादा क्लोज है इस फ्रेग्रेंस को। आप अल्बेत के ओमरे नोमाड को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। आपने दो तीन स्प्रे करे और ये पूरा रूम महक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये DNA बहुत अच्छा है जी। और थैंक यू सो मच मुझे इस फ्रेग्रेंस इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और मैं इस फ्रेग्रेंस को रिकमेंड करता हूँ, अल्बेत का ओमरे नोमाड आप जरूर खरीदिए। सो गाइस मेरे पास पहली स्ट्रिप आ चुकी है इस फ्रेग्रेंस की, देखते हैं कौन सा है ये। क्लैरिटी आगे कौन सा है ये, ये है डियोर का सोवाज, 100% शोरूम है, आप चेक कीजिए। हाँ जी ये डियोर सोवाज है। अब देखते हैं दूसरी स्ट्रिप पे क्लोन है या ओरिजिनल है, वो कैसा लगता है। सिमिलर लग रहे हैं काफी जी, आप ये ट्राई कीजिए। ये दोनों बहुत सिमिलर, बहुत सिमिलर है। देखिए जो क्लोन है मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है और मुझे नहीं पता कौन सा क्लोन लेकर आए हैं डियोर सोवाज। ललित भाई आप बताइए इन दोनों में फर्क बताइए, मुझे तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। मुझे भी सेम लग रहे हैं बट हाँ मैं 19 पीस का फर्क कर पा रहा हूँ, बहुत क्लोज हैं गाइस, ये भी बहुत क्लोज हैं आपस में और डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा है इन दोनों को भी। अब मैंने इतनी फ्रेग्रेंस स्मेल की और डियोर सोवाज मैंने बहुत ज्यादा स्मेल किया, मैं तब भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो कोई बिगिनर हो जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है फ्रेग्रेंस की वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अपना गेस करूं मुझे ए ओरिजिनल लग रहा है और बी क्लोन लग रहा है, और आपको। देखिए बी जो है जो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है और ए जो है वो थोड़ा कम है, स्मेल वाइज दोनों सेम है, तो मैं बोलूंगा कि बी क्लोन है, क्यों थोड़ा बी थोड़ा ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं मैं, क्योंकि बी मेरे को स्ट्रांग लग रहा है और मेरे को स्ट्रांग फ्रेग्रेंस लगाना ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो मैं बी के लिए, आपको बी 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 को वोट दोगे आप। जी मैं बी को वोट दूंगा, मुझे नहीं पता ये कौन सा ओरिजिनल है कौन सा क्लोन है, पर मैं बी को ज्यादा वोट दूंगा। तो ए ओरिजिनल है, ए है डियोर सोवाज ओरिजिनल ETT, जिसकी ये बॉटल है देख सकते हैं आप, ओरिजिनल है। और इसका जो क्लोन है, और इसका जो क्लोन है वो है अफनान मॉडेस्ट उने, अफनान का मॉडेस्ट उने,
मैंने ये भी पहली बार स्निफ किया है आज, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था ये। अब बात करते हैं कितना क्लोज है, वर्दी है या नहीं। 95% क्लोज है। सो गाइज, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आप इसका जो क्लोन है अफनान का, उन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर अभी और सवाज आपके बजट में नहीं है तो आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। मैं इस क्लोन को 8/10 रेटिंग दूंगा और ये वर्दी है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है, आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट फ्रेगरेंस की तरफ और देखते हैं वो कौन सी फ्रेगरेंस आने वाली है। मैंने स्किन पे लगाया हुआ है ओम्प्रेनो वार्ड और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। खास फ़र्क नहीं लग रहा है मुझे ओजी और क्लोन में, तो मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैं सरप्राइज हूँ और मैं खुश भी हूँ। मैं खुश हूँ कि इतनी अच्छी क्वालिटी का इतना सिमिलर कोई क्लोन है जो मैंने आज पहली बार स्मेल किया है। थैंक यू सो मच वैभव भाई को। और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे पास ओजी नहीं है लेकिन मेरा क्लोन से काम चल जाए। अभी ओजी नहीं लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब मेरे को ओजी की जरूरत नहीं है। कितनी हेल्प हुई, कितनी हेल्प हुई। ये एक डिलेमा में रहते कि ओजी लूँ या नहीं, वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो अभी क्लैरिटी हो गई है कि ये ओजी नहीं लेंगे, अपने पैसे बचाएंगे, उतने पैसों में ये 4-5 फ्रेग्रेंस खरीद सकते हैं, अच्छी खासी डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस भी। वैसे चेक करते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस। आई नो दिस फ्रेग्रेंस, ये पाको रबान 1 मिलियन है। दूसरा ये मैं बता दूंगा कि कौन सा ओजी है कौन सा क्लोन है। मैं भी बता दूंगा, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, साफ साफ पहली स्निफ पे ये क्लोन है और वो ओजी है। और ये जो है 1 मिलियन परफार्म के डीएनए है, ठीक है। ये ओरिजिनल जो है 1 मिलियन परफार्म है और ये उसका कोई क्लोन है। मुझे नहीं पता कौन सा क्लोन भाई लेकर आए हैं, मैं ओरिजिनल लेकर आया था। और आप दोनों देख लीजिए, देखिए ये वाला जो है ये 1 मिलियन परफॉर्म ओजी है, मैं बिना देखे बता सकता हूँ ये ओजी है। ए ओजी है और बी क्लोन है और साफ साफ ये ओरिजिनल है, ए ओरिजिनल है। इन्होंने भी एक ओरिजिनल बोला और हम दोनों श्योर हैं और यही निकल के आएगा। हमें बताइए कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं। तो देखो मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग आगे बढ़ती जा रही है तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बिकॉज आपके प्रेडिक्शन उस तरीके से बिल्कुल राइट है। तो ये बहुत करेक्ट, ए इज ओजी एंड बी इज क्लोन, ठीक है। और ये फ्रेग्रेंस कौन सा था? ये फ्रेग्रेंस 1 मिलियन। ओके, सो गाइस कमल भाई ने हमें बताया कि ए जो है हमारा प्रेडिक्शन सही है, 1 मिलियन जो है वो ये है, ओरिजिनल ये ए था। और जो क्लोन है वो कौन सा था? ये इसका अल्बेत वर्जन है। ओके, तो ये भी अल्बेत है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। इसमें विनर कौन सा होगा आपके हिसाब से? कि मुझे ओजी इज ओजी, तो ओजी को मैं प्रेफर करूंगा, तो मैं इसी को ही विनर बनाऊंगा। ठीक है, इसमें हमारा विनर जो है वो ओजी है, 1 मिलियन परफॉर्म हमने ट्राई किया अभी। और गाइस हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस कौन सा होगा। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, काफ़ी हेल्प मिल रही है आपको और काफ़ी क्लैरिटी हो रही है फ्रेग्रेंसेस के रिगार्डिंग, क्लोन्स और ओजी के रिगार्डिंग। मुझे भी हो रही है, इनको भी हो रही है और आई होप आप लोगों, और हमने जो हमारा मेन मकसद था आप लोगों को क्लैरिटी देना, शायद वो भी हम डिलीवर कर पा रहे हैं, वो जो हमारा पर्पज़ था। तो गाइस चेक करते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस कौन सा आने वाला है। जी मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, जो कि पर्पज़ था हमारा। देखिए मेरा जो पर्पज़ है आप वीडियोस बनाने का वो यही है कि आप लोगों की और मैं जो नॉर्मल लोग हैं उनके कुछ पैसे बचा सकूं, बेस्ट से बेस्ट डिलीवर कर सकूं। ललित भाई मैं इसी वजह से आपको कह रहा हूं कि आपका जो कंटेंट है वो हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक लेकर के आते हैं आप। देखिए मेरा जो मकसद है, देखिए मैं एक मेरे खुद के ही 2-3 बिजनेस हैं, तो मेरा जो पर्पज़ होता है ना सेल करने का नहीं है। अगर मैं सेल पर्सन होता या मुझे कोई फ्रेग्रेंस सेल करना है तो मैं उसको हाइप करता, मैं सारी फ्रेग्रेंस को अच्छा बोलता, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। मैं अगर बेकार बोलूंगा तो मेरा वो सामान बिकेगा कैसे? तो मैं एज अ एक नॉर्मल पर्सन, और मैं बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज लेता हूँ एक फ्रेग्रेंस के बारे में, उसको अलग अलग दिन पे, अलग अलग वेदर में, अलग अलग लोगों पे, अलग अलग जगह पे टेस्ट करता हूँ, तब जाके मैं उसका फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ वो फ्रेग्रेंस कैसा है। और जितने भी फ्रेग्रेंसेस मैं रिव्यू करता हूँ वो ज़्यादातर फ्रेग्रेंस जो होते हैं वो वर्दी होते हैं खरीदने के। और मेरी ही कुछ वीडियोस देखकर काफ़ी लोगों ने ब्लाइंड बाय करे हैं फ्रेग्रेंसेस। जी मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपकी वीडियोस देख करके ही मैंने अभी तक 5 परफ्यूम्स में खरीद चुका हूँ। ओ ये मुझे नहीं पता था अब तक, और मैं पूछना चाहूँगा कौन से खरीदे आपने? एक तो उसमें सिट्रेट बॉयज इंटेंस वाला। ओके, तो कैसा लगा वो आपको? मुझे बहुत अच्छा। आपने ब्लाइंड बाय किया या ट्राई किया? जी मैंने ब्लाइंड बाय किया। ओके, क्योंकि मेरे पास सीडी नेम पहले से ही था तो मैं उसके ऊपर थोड़ा जाना चाह रहा था। ओके, और जिस तरह से आपने वीडियो में एक्सप्लेन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने लिया। जी मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड। ओके थैंक यू सो मच। सो गाइज इसी तरीके से यही मेरा मोटिव है और यही मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, यही मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि जो मेरा मकसद है वो मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ और आप लोग का जो एक क्लैरिटी है वो मिल रही है आपको फ्रेग्रेंसेस के रिगार्डिंग। सो गाइज हम चेक करते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस कौन सा आएगा इस लिस्ट में। मुझे दिखाना ये। ठीक है समझ में आ गया, लिनन ब्लू है। और इसका देखते हैं दूसरा फ्रेग्रेंस कौन सा है। देखिए मेरे लिए बी ओरिजिनल है और ये जो ए है ये क्लोन है। देखिए बी मेरे को भी ज्यादा अच्छा लग रहा है और अब मैं बी को प्रेफर करूंगा। आप? मैं भी बी को प्रेफर। और कमल भाई हमें बताएंगे कि हम सही हैं या नहीं। एक्चुअली क्या है कि देखो
सिमिलरिटी के हिसाब से आप चीजों आप लोगों को जज करना थोड़ा सा टफ हुआ है क्योंकि चीजें डिफरेंस हो रही है, बट लेकिन मैं बताऊंगा आपको जो ए है वो है ओरिजिनल और बी है। ओह माय गॉड ललित भाई क्या हो गया ये? देखिए ललित भाई यही यही इसी वजह से एकदम से जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। सो गाइस ये डिलन ब्लू है और आप हमें फ्रेग्रेंसेस दिखाइए। ये ओजी है, ये ए है जिसको हमने क्लोन बताया लेकिन ओजी था जिसको हमने क्लोन नहीं। देखिए ललित भाई आपके पास ये ओजी डिलन ब्लू है और मैं ये लेकर आया हूँ छोटी सी चीज, ये है अरेबियन अरोमा। 600 रुपए का आता है अरेबियन अरोमा का। लोग अरेबियन अरोमा को आजकल थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं आजकल, लेकिन मुझे लगता है कि भाई क्लोन्स अगर कोई, इसके काफी बेकार वाले भी हैं कुछ अच्छे वाले भी हैं। क्लैरिटी दे देते हैं इसमें 80% सिमिलर लगे हैं और प्रेफरेंस जो है मैं अभी भी ओरिजिनल को दूंगा, लेकिन आप कंसीडर कर सकते हैं इसको 500-600 रुपए आपने बताया जी, ऐसे ही आता है 600। मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये भी कुछ महंगा नहीं है, 5000 से कम में भी 100 ml इसका आ जाता है और 6-6.5 में 200 ml की बॉटल इसकी आ जाती है और ये बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है। बाकी अब मैं इसको अगर मैंने जैसे स्क्रीन पे ट्राई किया है तो 70% सिमिलर बोलूंगा, बट मैं अभी भी ओरिजिनल के साथ जाऊंगा इसमें। और आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? देखिए मेरे को तो ये दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो हालांकि मुझे ओरिजिनल ज़्यादा अच्छा लगता है, रियल में भी ओरिजिनल मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें ओजी जीता या क्लोन? देखिए ओजी जीतेगा क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा बेटर है और महंगा भी नहीं है, डिलन ब्लू महंगा नहीं है। मैं भी ओजी को ही प्रेफर करूंगा। गाइस देखते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस कौन सी आने वाली है इस लिस्ट में। मुझे YSLY लग रहा है जी, और ये क्लोन लग रहा है मुझे YSLY का, बट आई एम नॉट श्योर। दूसरी स्ट्रिप दिखाइए। सो गाइस मेरे पास, मैंने दोनों ट्राई कर लिए हैं, आप दूसरा ट्राई कीजिए। सिमिलर तो लग रहे हैं, बहुत सिमिलर लग रहे हैं। मुझे बी ओरिजिनल लग रहा है और ए क्लोन लग रहा है, और आप बताइए। देखिए मैं, ललित भाई आपकी नोज थोड़ी ज़्यादा एडवांस है मेरे से, मैं इन दोनों में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। अगर मेरे को अगर बोलना पड़ेगा तो बी ओरिजिनल ए क्लोन। ओके मेरा भी यही है। अब हमें कमल भाई बताएंगे कि कौन सा फ्रेग्रेंस है। बेसिकली आपने जो जज किया ना कि बी इज ओजी वो तो आपको बिल्कुल करेक्ट है, बट जो परफ्यूम है ना ये वो नहीं। ओके सो गाइस हमारा जो फ्रेग्रेंस का प्रेडिक्शन है वो गलत हुआ है। ये जो फ्रेग्रेंस है YSLY नहीं है, ये है डॉल्चिन गबाना द 1EDP। लेकिन हमारा ओजी और क्लोन का जो प्रेडिक्शन है वो सही निकला है। जो बी है वो ओरिजिनल डॉल्चिन गबाना द 1EDP है और जो ये क्लोन है ये ए है। आप इन दोनों में सिमिलैरिटीज बताइए कि कितना सिमिलर। देखिए मैं इसमें ओजी के साथ जाना चाहूँगा। सो गाइस ओरिजिनल तो है लेकिन जो हमने क्लोन लिया है इसमें वो क्लोन भाई लाए थे, ये अल्बेत का क्लोन है जी। अल्बेत का जो DNG द 1 का EDP है उसका क्लोन है, ये अल्बेत की तरफ से है, ये इन्होंने डिकेंड मंगाया था। इसमें देखिए अल्बेत जो है ओमरेन अवार्ड में जीत गया, ओमरेन अवार्ड में थम्स अप, लेकिन द 1EDP में अगर बात की जाए तो मैं OG को प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीन क्वालिटी और सिमिलैरिटी भी बहुत ज़्यादा खास नहीं लग रही है मुझे इसमें। नो ओरिजिनल EDP इसमें विनर है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप अल्बेत का DNG द 1 ना लें, ओरिजिनल लें, इसमें मैं साफ साफ बोलूंगा। आपका क्या कहना होगा? मैं भी आपके से एग्री करूँगा। ठीक है तो अल्बेत का जो द 1EDP का क्लोन है उसको मैं थम्स डाउन करूंगा। इसमें हम दोनों ही रिकमेंड करते हैं आप OG लीजिए। सो गाइस चेक करते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस कौन सा आ रहा है इसमें। मेरे पास 20 स्ट्रिप आई है पहले। ये तो YSLY 100%, इसमें हम गलत नहीं हो पाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये ओरिजिनल है जी, ये थोड़ा फ्रेशर है, स्वीट तो, भी है हाँ, तो ये YSLY ही है। और अब ए स्ट्रिप आ चुकी है मेरे पास और क्लियर डिफरेंस मैं बता सकता हूँ इसमें। ये क्लोन है, जो बी है वो क्लोन है, जो ए है वो ओरिजिनल है। अब ये ट्राई करेंगे बी। हाँ ये बी ओरिजिनल है और ए क्लोन है, पर ये दोनों बहुत ही अच्छे सिमिलर हैं, बहुत अच्छे हैं। सिमिलैरिटी में थोड़ा सा फर्क मुझे साफ साफ पता लगा कि मैंने पहली स्ट्रिप में डिफरेंस बता दी, जिसने आपने एकदम स्पॉन्टेनियसली मेरे से, मैंने बोला आपने मेरा रिएक्शन देखा होगा, मैं बहुत स्पॉन्टेनियस था। मैं बी जो दूसरी स्ट्रिप थी वो आने से पहले बता दिया था कि जो पहली स्ट्रिप है वही ओरिजिनल होगी। सो गाइज ये YSLY है, ये कन्फर्म है और मेरे लिए बी ओरिजिनल है, ए क्लोन है, और आपके लिए भी बी ओरिजिनल है और ए क्लोन है। ठीक है करेक्ट, बी इज ओरिजिनल, बुल्स आई पर ललित भाई
ये इसका फ्रेशर वर्जन लगता है मुझे YSLY EDP का। सो गाइज ये YSLY EDP है OG और ये है लताफा का फकर, काफी फेमस। इसमें मैं प्रेफरेंस दूंगा OG को जी, और सिमिलैरिटी बताऊं मैं 70% सिमिलर बोलूंगा मैं, और 70% सिमिलर जो होते हैं वो मैं प्रेफर नहीं करता, कम से कम 80+ सिमिलर हो या 90 हो जाए तो बहुत है। जैसे कि मैंने देखे, मैंने एक बहुत ही जेन्युइन रिव्यू दिए हैं हम दोनों ने एक दूसरे की फ्रेग्रेंसेस को, ओम्ब्रे नोमार 95% प्लस सिमिलर है नो डाउट, बट लताफा फकर उतना मुझे पसंद नहीं आ रहा है और थोड़ा टोन डाउन भी लग रहा है, परफॉर्मेंस भी मुझे कुछ खास नहीं लग रही है इसकी, जो मैंने सुना भी है इसके बारे में इसकी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं है। तो मैं साफ साफ बोलूँगा अगर कोई इससे अच्छा क्लोन मिल जाए YSLY का तो वो प्रेफर करें। इसका और भी क्लोन्स आते हैं? हाँ बहुत क्लोन है, इसके बहुत क्लोन है जी, लेकिन मैं इस क्लोन को रिजेक्ट करूंगा, आप इस क्लोन को ना लें क्योंकि सिमिलैरिटी भी बहुत परसेंटेज में कम है और परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी वीक लग रही है। OG काफ़ी बेटर है और मुझे फ्रेगरेंस पर्सनली भी काफ़ी पसंद आता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, OG या क्लोन? देखिए OG इज़ OG, मैं भी प्रेफर करूंगा कि OG लें क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी है और इसकी स्मेल भी ज़्यादा क्वालिटी। YSLY तो जाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए। अगर आप OG अफोर्ड कर सकें तो आप OG पे ही जाइए, अगर OG नहीं अफोर्ड कर सकते तो दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, नॉट बैड, बट अगर आपको इससे अच्छा कोई क्लोन मिल जाए ट्राई करने के लिए तो आप वो प्रेफर करना। इसका एक अल्बेत वर्जन भी आता है जो इससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, हो सकता है, बट इसको मैं, इस वाले क्लोन को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको लीजिए। और कोई फ्रेग्रेंस बची है? ओके गाइस, ओके मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे कमल भाई का जो जिन्होंने टाइम निकाला और हमारी हेल्प की, और आप इनके चैनल को जाके एक बार देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ऑलमोस्ट क्रिएटिव नाम से इनका जो यूट्यूब पे चैनल है वो है और ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं इनकी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज़ हम आ चुके हैं फाइनल वर्डिक्ट पे और सबसे पहले मैं भाई का वर्डिक्ट लेना चाहूँगा इसमें। देखिए भाई मुझे लगता है ओरिजिनल इज हमेशा ओरिजिनल ही रहेगा, लेकिन आजकल के जो क्लोन्स आ गए हैं उन्होंने इतनी टक्कर दे दी है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जो हम जैसे लोग हैं वो तो पहचान भी सकते हैं, जो जिसको नहीं पता कि क्या है ओरिजिनल है क्या क्लोन है उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि OG क्या है और क्लोन क्या है। तो स्पेशली जैसे ओम्ब्रे नोमार्ड का है, एक 32,000 का परफ्यूम है, एक 2,000 का परफ्यूम है, तो दोनों में मुझे तो ऐसा कोई फ़र्क लगा नहीं। जो मेन चीज़ है जो ये जो वीडियो बनाने का यही था कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो मेरे को लगती है इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और इसकी स्मेल भी, हालांकि मैंने कभी भी ओम्ब्रे नोमार्ड कभी ट्राई नहीं किया, फिर भी मैंने जज कर लिया इसकी स्मेल से कि भाई अगर ओम्ब्रे नोमार्ड की स्मेल होगी ना तो कुछ इसी तरह की होगी। सो गाइज हमारा जो मोटिव था वो यही था ओरिजिनल वर्सेस क्लोन का, और सारे क्लोन्स अच्छे नहीं हैं और सारे क्लोन्स खराब नहीं हैं। जैसे ये एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है मेरे हाथ में, 32,500 इस पर खर्च करने, अगर आपको देखिए एक कुछ लोग होते हैं जिनको ओरिजिनल ही रखने होते हैं, लुई विटॉन ब्रांडिंग चाहिए तो वो ले लें 32,500 और कहाँ 2,000। मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि आप इसको आंख बंद करके कंसीडर कर सकते हैं, मैंने ये अभी यहाँ लगाया हुआ है मुझे फ़र्क नहीं लगा, मैंने इसको मेरे को स्किन पे एक बार थोड़ा मैं ज़रूर लगाना चाहूँगा आपकी इसके। फाइनल वर्डिक्ट देते हैं इसमें, अगर हम क्लोन वर्सेस ओरिजिनल की बात करें, जैसे कि मैंने बोला सारे क्लोन्स अच्छे नहीं है सारे क्लोन्स खराब नहीं है, अरमाफ का CDN आ जाता है बहुत अच्छा क्लोन है क्रीड एवेंटस का, और उसी तरीके से अल्बेत का जो ये ओम्ब्रे नोमार्ड क्लोन है ये भी बहुत अच्छा क्लोन है। तो आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए और मेरे रिकमेंडेशन आप ले सकते हैं वीडियोस देखकर किस तरीके से फ्रेगरेंस कैसी होती है। मैं बहुत ही ज़्यादा उसमें, जैसे भाई ने भी बताया, मेरी वीडियोस देखकर 5 फ्रेगरेंस खरीदे हैं ब्लाइंड बाय, आप उन 5 के नाम बता दीजिए जो मुझे भी नहीं पता है, और ये मुझे पहली बार बताने वाले हैं कि मेरी वीडियो देख के उन्होंने कुछ फ्रेगरेंसेस खरीदे हैं और वो कौन से फ्रेगरेंस है ये बताएंगे। देखिए मैंने सबसे पहले सिट्रेट बॉयज इंटेंस लिया था, ठीक है, दूसरा मेरा ब्लू डिशनल ईडीपी ओके, और डियोर सवाज EDT जो मैंने अभी लेटेस्ट में खरीदे हैं ये वाले मेरे ख्याल से, एक मिनट, और जो सबसे ज़्यादा मैंने आपने मेरे को एक वीडियो में डाला था डियोर होम परफॉर्म, तो मैंने लिया डियोर होम इंटेंस आपके रिकमेंडेशन पे क्योंकि मेरे को दोनों थोड़ा मेरे को लगा कि थोड़ा सिमिलर हो सके। देखिए गाइस हमारे पास ये दोनों ही हैं, ये इंटेंस है और ये परफॉर्म है, जूस कलर में ही बहुत फ़र्क है। DNA जो है, देखिए जो मेन नोट है इसका वो आयरिस का नोट है और इसमें ऊद है, ये डार्कर वर्जन है और बहुत ही ज़्यादा एक ऑयली हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है परफॉर्म का, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं वो रहेंगी, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बीस्ट मोड फ्रेगरेंस है, ये थोड़ा उसका लाइटर वर्जन है, इसको आप सिर्फ विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं जी, ये विंटर में अच्छा लगेगा, इसको आप थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेदर में किसी भी टाइम पर किसी भी ओकेजन में, इसको आप स्पेशल ओकेजन में यूज़ कीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइस
मैं वैभव भाई से पूछना चाहूंगा कि इनको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं एज अ एक व्यूअर, जो मुझे भी आइडिया होना चाहिए कि कोई मेरी वीडियो देखता है तो वो देखते हुए क्या कैसा लगता है, उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कितनी हेल्प मिलती है और क्या खराब मिलता है, तो आप मुझे, मैं अपने लिए जानना चाहता हूँ आज ये चीज़। भाई देखिए, मैंने जैसे पहले भी वीडियो में कहा था कि आपके जो टॉपिक्स हैं वीडियो के, वो सबसे ज़्यादा यूनिक हो रहे हैं, जो आज किसी ने ऐसे वीडियो नहीं डाली होगी, ऐसे टॉपिक्स नहीं डाले होंगे जिस बारे में आप बात करते हैं, जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं, और स्पेशली क्लोन्स वगैरह के बारे में, जो छोटे परफ्यूम्स होते हैं उनके बारे में तो लोग बहुत कहते हैं, लेकिन आप जो ओजी को भी आप बताते हैं कि कौन सा वर्थ इट है और कौन सा नहीं है, वो बात, प्लस आपके जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, हर बार कोई नया टॉपिक लेकर के आते हैं आप, तो मैं एज अ व्यूअर, एज अ योर सब्सक्राइबर, और अब ऐसा लगता है कि एज अ फ्रेंड, थैंक यू, हमारी फ्रेंडशिप भी हो गई है, मेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर जो मेरा फ्रेंड बने हैं, क्योंकि हम एक सिटी में रहते हैं, पास में रहते हैं, और जहाँ हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये इन्हीं का ऑफिस है, तो मैं यहीं पे आया वीडियो शूट करने के लिए। सो गाइज, वैभव भाई मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा, हमारे कमल भाई का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, और गाइज आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए कि इस तरीके का जो कंटेंट है वो कैसा लगा, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, बहुत ज़्यादा कुछ सोचा और बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की जी, और काफ़ी हमने रिसर्च भी की इस चीज़ के बारे में कि किस तरीके से इसको कंटेंट को बनाया जाए, और तब जाके हम आपको डिलीवर कर पाए हैं। देखिए, ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प के लिए है, ठीक है, तो आपके पैसे बचे, टाइम बचे, और वर्थ हो जो भी आप खरीदे। देखिए, फ्रेग्रेंस जो ऐसी चीज़ है वो बहुत महंगी चीज़ होती है, एक आप फ्रेग्रेंस खरीद लें, उसके बाद आपके पास फ्रेग्रेंस तो आ जाएगा लेकिन वो वापस आप वापस रिटर्न नहीं कर सकते, तो आप वो, और वो जल्द एक दिन में ख़त्म भी नहीं होती है। सो गाइज, इसी तरीके के कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और इसी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है, और आप ही लोगों जो मुझे मोटिवेट करते हो, आप जैसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी हेल्प भी हो जाती है और मोटिवेशन भी मिल जाती है मुझे इस काम को करने के लिए, और इसी तरीके से मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कॉन्टेंट के साथ, कुछ नई फ्रेग्रेंसेस के साथ, तब तक खुश रहिए और खुशबूदार रहिए।